गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 11th क्लास से है और यूनिट नंबर है NCERT सेकंड से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो टॉपिक है एरर्स। एरर जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से ही है। क्या है? डेली लाइफ से। जैसे कभी भी हम अपने मोबाइल पे कोई साइट खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है कुछ जगह 404 एरर या 101 एरर्स। तो एरर्स साइट ओपन नहीं हुई वो, तो उसमें क्या आ गई? एरर्स आ गई, मतलब कुछ ना कुछ कमी आ गई। अब ये कमी किस में आएंगी? किसी भी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं, यदि उसमें जो कमी आती है, जो एरर आई कमी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट को बोला ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ मेजर करनी है, स्टूडेंट ने क्या किया? स्केल रखा यहाँ तक और यहाँ तक उसने बोर्ड की लेंथ मेजर की। फर्स्ट स्टूडेंट ने उसने कि ये लगभग 4 फुट 2 इंच, मतलब 4 फुट 2 इंच उसने मेजर कर दी। अब जरूरी नहीं है कि वो जो इसकी जो लेंथ है 4 फुट 2 इंच हो, क्या पता उसने जो 1 सेंटीमीटर कम दिखाया है या ज़्यादा दिखाया उसको अप्रोक्सीमेटली के बोल के क्या बोल दिया 4 फुट 2 इंच। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रू वैल्यू मिले। ये जो कमी थी ये इसी चीज़ को क्या बोला है आपने? एरर बोला है। तो पहला आता है सिस्टेमेटिक एरर। क्या आता है? सिस्टेमेटिक एरर। इसमें से फर्स्ट जो है अपने पास क्या है? सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर वन साइड एरर है। कैसी एरर है? वन साइड। वन साइड एरर का मतलब है या तो उसमें इंक्रीज होगी वैल्यू या डिक्रीज होगी। तो सिस्टेमेटिक की और डेफिनेशन भी पढ़ते हैं हम। सिस्टेमेटिक मतलब कोई भी सिस्टम के कारण। सिस्टम क्या हो सकता है? लैब हो सकती है, सिस्टम में ही आता है। ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं। उनके कारण जो भी एरर आती है किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, तो वो एरर है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर में क्या क्या आता है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एरर। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट मान लो खराब हो गया या इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी एरर आएगी, जो ऑपरेटर से अपने पास स्केल है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, मिलीमीटर है, इनके कारण जो भी एरर आती है वो एरर क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट एरर। फिर आता है इसमें टेक्निकल या प्रोसीजर। टेक्निक या प्रोसीजर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक है या उसका कोई प्रोसीजर है। तो उस चीज को यदि हम गलत
टेक्निक यूज करते हैं या प्रोसीजर गलत अप्लाई करते हैं तो उसमें एरर आती है। वो एरर कौन सी है अपने पास? टेक्निक एरर है, या उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर जो है एरर, प्रोसीजर एरर होती है। फिर आता है अपने पास पर्सनल एरर। क्या आता है? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? जैसे स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया इस बोर्ड को और दो स्टूडेंट है, एक ने स्केल लगाया इधर और यहां एंड किया, तो एक देखने वाला इधर से देखता है ऐसे, एक देखने वाला है फ्रंट से देखता है, दोनों को डिफरेंट दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? डिफरेंट, क्योंकि आदत तो खराब होती है स्टूडेंट की, ऐसे देखेगा। तो ऐसे जब देखता है तो एक्यूरेट वैल्यू दिखाई नहीं देती हमें। क्या है? एक्यूरेट वैल्यू दिखाई नहीं देती। वो किसके कारण है? पर्सनल एरर है, खुद के कारण आई है हमें, हमारी गलती के कारण है। फिर आ गया अपने पास रैंडम एरर। कौन सी एरर है? रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है मतलब अचानक, जैसे हम ओम्स लॉ ही कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, 10th क्लास में पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको मालूम है कि कब फॉलो होता है, जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होती है। क्या होती है? फिजिकल कंडीशन क्या होती है? कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन क्या है? जैसे हम फिजिकल वर्क करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं, ऐसे ही कंडक्टर की होती है फिजिकल कंडीशन। कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? उसका प्रेशर कांस्टेंट है क्या? उसकी लेंथ कांस्टेंट है क्या? तो ये डिपेंड करता है। मान लो उस जब हम नोट कर रहे हैं ओम्स लॉ से रीडिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया आसपास का, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी अपने पास, तो क्या हो गई? चेंज हो गई अचानक। यदि हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, वर्नियर कैलिपर है, स्केल है अपने पास, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट ने धक्का दे दिया तो एरर आएगी देखने में। तो क्या है? इस प्रकार से जो अचानक जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट एरर। कौन सी एरर है? लिस्ट काउंट एरर। जैसे अपने पास स्केल है कोई भी, इस प्रकार से स्केल, इस पे तो नंबर वैल्यू गिवन नहीं, तो क्या होता है स्केल में? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ। तो इसमें जो 10 डिवीज़न हैं, जो इस स्केल में 1, 2, 3, 4, 5, 1, इस स्केल में जो 10 डिवीज़न है वो है 1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट का मीनिंग क्या है? कम से कम हम इस स्केल से कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? 1 डिवीज़न किसके इक्वल हो गया? 1/10, तो क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। काफ़ी बार क्या होता है, इस स्केल के जो ये पॉइंट है ये रफ हो गए, यहाँ से क्या हो गए? रफ। तो काउंटिंग में क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या हुआ? जो 9 डिवीज़न है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गए, और 1 डिवीज़न 1/9। एक्यूरेट क्या था अपने पास? 1/10। आया कितना? 1.1/9। तो ये क्या आ गई? एरर आ गई। क्या आ गई? एरर। और कैसी है? लिस्ट काउंट एरर है। कैसी एरर है? लिस्ट काउंट एरर।
ये तो था अपने पास थ्योरी पोर्शन ओनली, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको सीधा गिवन मिलता है। अब आता है अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन से एरर होती है। फर्स्ट है अपने पास एब्सल्यूट एरर, क्या है एब्सल्यूट एरर। एब्सल्यूट एरर में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेन वैल्यू, या इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मेन वैल्यू एंड ऑब्जर्विंग वैल्यू, मेन वैल्यू या ऑब्जर्विंग वैल्यू, तो इसको डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो क्या हो गया अपने पास, ए ऑब्जर्विंग वैल्यू माइनस ए मेन, ए या इसको क्या बोलते हैं, ए मीन को क्या बोलते हो आप, ट्रू वैल्यू, क्या बोलते हो ट्रू वैल्यू। अब इसको समझते हैं। पहले मान लो एक स्टूडेंट है, उसने जब मेजरमेंट किया, जब ऑब्जर्व किया, तो उसकी जो वैल्यू आई, फर्स्ट स्टूडेंट की आई ए वन, और सेकंड की आई है ए टू, थर्ड की आई है ए थ्री, फोर्थ की आई है ए फोर, अप टू ए एन। एनथ स्टूडेंट है, सभी ने ऑब्जर्व किया, इसी बोर्ड को मान लेते हैं, ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ने क्या किया, इसकी लेंथ को ए वन ऑब्जर्व किया, सेकंड ने क्या किया ए टू ऑब्जर्व किया, थर्ड ने क्या किया ए थ्री, ऐसे किया, तो इसकी मीन वैल्यू क्या है, मीन या इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, क्या बोलते हैं, मीन या एवरेज वैल्यू। एक स्टूडेंट के कारण कितना मेजरमेंट हुआ, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी क्लास में एक स्टूडेंट का बर्थडे है, तो वो टॉफियाँ लाता है अपने पास, पैकेट टॉफियाँ का, उसमें मान लेते हैं 100 टॉफी हैं, तब वो वितरण करता है, तो क्या होता है, यदि टीचर नहीं है तो पहले तो करेगा किसी को दो, किसी दो दो करके वितरण किया उसने, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ शरारती स्टूडेंट के कारण उसमें क्या होगा, हमला होगा उन टॉफियों पे, तो किसी के हाथ में 10 गई, किसी के हाथ में 5 गई, किसी के हाथ में 15 गई। तो एवरेज निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, जितनी टोटल टॉफियां थी और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लो 100 टॉफी थी और स्टूडेंट है 20, तो कितना हिस्से आया, 5 टॉफी आ गई एक स्टूडेंट के। ये होती है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या आ गई, ऑब्जर्विंग वैल्यू क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, टोटल कह गया हमने इसका, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, एन। क्लियर है। एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट की एब्सोल्यूट एरर कितनी है, उसमें क्या हुआ, डेल्टा ए वन, तो क्या हुआ, ऑब्जर्विंग वैल्यू माइनस में मेन वैल्यू, ऐसे ही क्या हुआ, डेल्टा ए टू, ए टू माइनस में ए मीन, ऐसे ही क्या है, डेल्टा ए एन, ए एन माइनस में ए मीन। जर्नल फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो अपने पास एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ऑब्जर्विंग वैल्यू। क्लियर है। अब आता है अपने पास
अब आता है एवरेज, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या थी अपने पास? डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए एन एब्सोल्यूट एरर है। तो हमने क्या निकालना है? मीन निकालना है ए में। तो क्या हुआ? डेल्टा ए वन, इसका मैग्नीट्यूड, यदि इसमें जो एरर आती है चाहे माइनस है चाहे प्लस, वो ऐड ही करेंगे, प्लस लेंगे वो हमेशा। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, प्लस डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन और अपॉन में एन, ये क्या होगा? ये अपने पास एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है अपने पास रिलेटिव एरर। क्या आता है? रिलेटिव एरर। क्या आता है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब समझना हमें, किसका समझना है? रिलेटिव। जैसे अपने घर में भुआ का लड़का, मामा का लड़का या किसी अपने फादर के साथी का लड़का घर पे आ गया और अपना दोस्त कोई भी आके ये पूछता है कि ये कौन है, तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरा रिलेटिव है, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है उसका। तो रिलेटिव होने के लिए क्या चाहिए? दो वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए अपने पास? दो वैल्यू चाहिए। दो के बीच में क्या बताता हम? रिलेशन बताते हैं हम। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या हो गई? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हो गई अपने पास डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एवरेज वैल्यू। जो एब्सोल्यूट जो थी अपने पास एरर की, एब्सोल्यूट जो एरर है उसकी क्या लिया हमने? एवरेज वैल्यू लिया। और नीचे क्या आ गया अपने पास? ए मीन ट्रू वैल्यू। क्या आ गई? ट्रू वैल्यू। क्लियर है? फिर आता है अपने पास परसेंटेज एरर। क्या आता है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को क्या करना आपने? जो रिलेटिव एरर है डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कौन सी एरर आ गई अपने पास? परसेंटेज एरर। क्या आ गई अपने पास? परसेंटेज एरर। अब इसके कुछ रूल हैं न्यूमेरिकल करने के। जैसे अपने पास एक फर्स्ट टर्म है ए, इसमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, या प्लस ही मान लो, प्लस माइनस ही करते हैं। चलो बी है अपने पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो ऐड करते हैं इसको, क्या करते हैं? ऐड। तो न्यू इक्वेशन आएगी जेड इक्वल ए प्लस बी। तो क्या हुआ? जेड प्लस में डेल्टा जेड प्लस माइनस, ये हो गया अपने पास ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। ये क्या है अपने पास? एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। और ये क्या है अपने पास? एरर। बी क्या है यहाँ पे? ट्रू वैल्यू। और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर। जब ऐड किया तो ट्रू वैल्यू ऐड होंगे और एब्सोल्यूट एरर अलग से ऐड होंगे। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ? जेड इक्वल ए माइनस बी। तो क्या होगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें,
एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। यदि कोई अपने पास पावर में है, कोई भी इक्वेशन क्या है पावर में, जेड इक्वल ए की पावर गामा, बी की पावर बीटा और सी की पावर अल्फा, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो एरर फाइंड आउट, टोटल एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसमें डेल्टा जेड अपॉन में जेड अल्फा, जो गामा, सॉरी गामा आगे डेल्टा ए अपॉन में ए, इसके लिए क्या होगा प्लस बीटा डेल्टा बी अपॉन में बी, इसके लिए क्या होगा ऊपर जाने के बाद माइनस अल्फा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं अल्फा डेल्टा सी अपॉन में सी। मैंने क्या बताया था, एरर जो हमेशा है ऐड होगी। एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये गलती मत करना, यहाँ हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। और पावर नीचे ऐसे करना आपने सो। ये थे अपने पास कुछ फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे क्या अपने पास न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, मान लो एक स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट ने एक का टेम्परेचर फाइंड आउट किया T1, कितना किया है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट है ये क्या है अपने पास, यदि इसको लिखेंगे T1 इक्वल T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यदि उसने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फाइंड आउट किया तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है 0.5 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसने जो फाइंड आउट किया अपने पास वो किया 35 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस पे जो एरर है वो कितनी है 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट क्या करना हमें, T2 माइनस में T1, ये फाइंड आउट करना। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये है सबट्रैक्ट। क्या कि आपने इसको सबट्रैक्ट किया है, सबट्रैक्ट अपने पास ये था a माइनस बी, तो क्या किया था अपने पास a और जो b है ये, इसको क्या किया है सबट्रैक्ट किया है। तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला, जो टोटल एरर आएगी अपने पास, जो टोटल जो टर्म है अपने पास नई न्यू टर्म टी क्या आई अपने पास T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T2 प्लस में डेल्टा T1। T2 क्या अपने पास 35 डिग्री सेल्सियस और T1 क्या अपने पास 30 डिग्री सेल्सियस और कैसा है माइनस, सब्ट्रैक्ट किया हमने। और एरर हमेशा क्या होगी ऐड होगी, प्लस माइनस। इसमें एरर कितनी है T2 में है 0.2 और T1 में कितनी है 0.5। तो क्या हो गया अपने पास 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया अपने पास लास्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखा कि एक अपने पास पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम, मान लो ये रस्सी है अपने पास, एक
और इससे एक पेंडुलम कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका जो मोशन है ऐसे होता है टू एंड फ्रो, अप डाउन अप डाउन। ये जो ऑसिलेशन होता है इसमें, एक जो स्टूडेंट है ऑसिलेशन, उसने टाइम पीरियड नोट किया कि फर्स्ट स्टूडेंट ने जो किया इसका जो टाइम पीरियड, फर्स्ट स्टूडेंट नहीं एस वन जो स्टूडेंट फर्स्ट था उसने जो किया भाई एक बार टू एंड फ्रो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगता है, उसने देखा 2 सेकेंड। क्या देखा? 2 सेकेंड। दूसरे स्टूडेंट ने देखा इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो है 2.2 सेकेंड। तीसरे स्टूडेंट ने देखा, उसने देखा 2.1 सेकेंड। और फोर्थ स्टूडेंट ने क्या देखा, उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो 2.3 सेकेंड। और एक और स्टूडेंट है फिफ्थ स्टूडेंट, उसने क्या देखा 2.1 सेकेंड। तो इसमें क्या निकालना हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। पहले हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। क्या निकालना है? ट्रू वैल्यू एस मीन। एस मीन में क्या होगा, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर प्लस एस फाइव अपॉन में 5। तो करते हैं ऐड, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या आ गया अपने पास, 10.6 अपॉन में 5। ये क्या आ गई अपने पास, मेन वैल्यू आ गई। तो करें 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है, ये आ गई अपने पास ऐसे में अप्रोक्सीमेटली। एब्सोल्यूट एरर एस वन, तो डेल्टा एस वन क्या हुआ अपने पास, एस वन माइनस में एस मीन। एस में वन कितना है 2, एस मीन कितना है 2.1, तो क्या आ गया -0.1। डेल्टा एस टू सिमिलरली, एस टू कितना है 2.2 और एस मीन कितना है 2.1, तो कितना आ गया 0.1। डेल्टा एस थ्री कितना है 2.1 माइनस 2.10। डेल्टा एस फोर क्या आ गया अपने पास, एस फोर कितना है अपने पास 2.3 माइनस 2.1, तो 0.2। और एस फाइव कितना है अपने पास, फिर से यही है 2.1 माइनस 2.10। हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या था अपने पास, डेल्टा ए वन मैग्नीट्यूड, माइनस है चाहे प्लस है उसको प्लस रखना है। तो डेल्टा एस मीन क्या आ गया अपने पास, डेल्टा एस वन 0.1 क्या करना है प्लस ही लेना, तो क्या आ गया अपने पास 0.1। एस टू कितना है 0.1, एस थ्री कितना है 0, एस फोर कितना है 0.2 और एस फाइव कितना है प्लस 0। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आ गई अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कुछ पावर के देखते हैं, किसके देखते हैं, कुछ पावर के देखते हैं। Thank you.
पावर में क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, तो उसमें जो मास में जो परसेंटेज एरर है, उसमें मास की परसेंटेज एरर वो है 2%, और वेलोसिटी में जो एरर है, वेलोसिटी में जो परसेंटेज एरर है वो है 3%। तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, किस में है, मोशन में। तो काइनेटिक एनर्जी में, किस में, काइनेटिक एनर्जी में टोटल परसेंटेज एरर बतानी है आपने, क्या बतानी है, टोटल परसेंटेज एरर किसकी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है अपने पास, फॉर्मूला जो है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, एरर किस में है, इसमें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा के ई अपॉन में के ई, परसेंटेज क्या आ गया, पावर में है, इसी इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, तो क्या हुआ, 1 डेल्टा एम अपॉन में एम परसेंटेज, यहाँ पावर कितनी है, 2 डेल्टा वी अपॉन में वी परसेंटेज, एम की परसेंटेज एरर कितनी है अपने पास, 2, तो क्या हुआ, 1 इंटू में 2, वेलोसिटी की कितनी है परसेंटेज एरर, 3, तो क्या हुआ, 2 प्लस में 6, तो टोटल कितना आ गया, 8%, कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी में, 8% एरर है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो अपने पास कोई इक्वेशन गिवन है, ए इक्वल, यही मान लेते हैं गामा, और इसको मान लेते हैं 2, 3 और C1, एक की जो परसेंटेज एरर है अपने पास वो है 1, बी की है अपने पास 2 और सी की है अपने पास, तो टोटल परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने है, तो टोटल के लिए क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन में जेड परसेंटेज, 2 नीचे डेल्टा ए अपॉन में ए परसेंटेज, प्लस 3 नीचे डेल्टा बी अपॉन में बी परसेंटेज, प्लस इस पावर कितनी है, 1 डेल्टा सी अपॉन में सी परसेंटेज, 2 ए की परसेंटेज एरर कितनी है, 1, 2 वन जा 2, तो 2 आ गया, 3 बी की परसेंटेज एरर कितनी है, 2, यहाँ कितना है, 3, और ये परसेंटेज एरर कितनी है, 2, तो क्या हो गया, 6, यहाँ परसेंटेज एरर कितनी है, सी की 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है, 1, तो कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9%। ये क्या था अपने पास एरर के कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल थे। थैंक यू।